Assalamualaikum viewers, welcome to my kitchen. आज मैं आपके साथ में कढ़ाई पनीर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैंने जो है 250 ग्राम के करीब जो है अपना पनीर लिया है, एक कैप्सिकम लिए और जी एक अनियन लिए और जिसको मैंने क्यूब कट कर लिया है क्यूब साइज में। और जी अब जो है कढ़ाई के मसाले के लिए यहाँ पे जो है मैंने एक टीस्पून के करीब कसूरी मेथी ली है, एक टीस्पून के करीब सौंफ, एक टीस्पून के करीब जीरा और जी एक टीस्पून के करीब ही जो है काली मिर्च ली और जी 2 स्पून के करीब जो है हमने धनिया लिया। इससे जो है हम अपने कढ़ाई का मसाला तैयार करेंगे। और यहाँ पर जो है हमने एक तवा हम लोग गरम कर रहे हैं और जी इसके अंदर जो है हमें सिर्फ इसे जो है मीडियम हमें गरम कर लेना है और इसको हमें जो है मसालों को जो है वो बिल्कुल भी ज्यादा रोस्ट नहीं करना है हमें कि वो जल जाए। सिर्फ जो है हमें देखें हमारा तवा जो है वो गरम हो चुका है। इस पॉइंट पे हमें क्या करना है, अपने पूरे मसाले इसके अंदर ऐड कर देने हैं और जी एक दो बार जो है इसको अच्छे से सॉटे करके गैस का फ्लेम जो है वो ऑफ कर देना है। अब जो है हमें इसमें जो है ड्राई रोस्ट होने देना है, इनको हमें बिल्कुल जलाना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। बस हल्का सा जब हमारा तवा गर्म हो हमें गैस की फ्लेम जो है वो ऑफ कर देनी है और उसके ऊपर जो है इसको अच्छे से हमें रोस्ट कर लेना है जितना हमारा तवा गर्म हो। मैंने जो है मसाला अच्छे से रोस्ट हो चुका है, अब जो है हमें इसे ग्राइंड कर लेना है। मैंने जो है अपने मसाले को ग्राइंड कर लिया। देखें जी मैंने इसको जो है इसमें हमारा जो खड़ा धनिया था वो हल्का सा जो है दरदरा है, मैंने इसको बिल्कुल भी जो है फाइन पाउडर में तब्दील नहीं किया है, बस इसको मैंने हल्का सा, आप चाहें तो इसको ग्राइंड ना करने की वजह जो है आप इसको क्रश भी कर सकते हैं और ये आसानी से क्रश हो जाता है क्योंकि हम जो है इसको ड्राई रोस्ट कर लेते हैं इस वजह से। तो इसी तरीके से हमारा मसाला है और यहाँ पर जो है मैंने अपना तवा गर्म होने के लिए रख दिया बिकॉज जो है हम अपने पनीर और जो हमारी कैप्सिकम और अनियन है हम उसको फ्राई करेंगे। और मैंने जो है अपने तवे के अंदर जो है तकरीबन 2 टीस्पून के करीब जो है ऑयल ऐड कर दिया है, तो अब मैं इसके अंदर सबसे पहले अपनी प्याज ऐड कर दूंगी। और इसी के साथ में हमें अपनी कैप्सिकम भी ऐड कर देनी है। हमें इसको बिल्कुल भी ज्यादा नहीं फ्राई करना है, नॉर्मल सा फ्राई करना है और बिल्कुल सिंपल हमें इसे फ्राई कर लेना है कि हमारी जो है हल्की सी सॉफ्ट हो जाए प्याज और कैप्सिकम जो है। बराबर में जो है मैंने एक पैन रखा है, इसके अंदर जो है तकरीबन 3 टीस्पून के करीब जो है मैंने ऑयल ऐड किया है। और इसके अंदर जो है मैं अपना पनीर फ्राई करूंगी। इसको भी हमें ज्यादा फ्राई नहीं करना है, बिल्कुल भी कम फ्राई करना है। हाँ बस इसे जो है हमें हाई फ्लेम पे फ्राई करना है। मैंने जो है अपना बर्तन चेंज कर लिया बिकॉज वो काफी छोटा हो रहा था, तो इस वजह से मैं जो हूँ अब एक तवे के अंदर इसको फ्राई कर रही हूँ। हमें इसे आहिस्ता से फ्राई करना है, इसे ओवर कुक बिल्कुल भी, ओवर फ्राई बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल लाइट हमें करना है इसको, इस बात का ध्यान दीजिएगा। मैंने इसकी देखी एक तरफ से साइज चेंज कर दी है और अब जो है हम इसे तकरीबन 2 मिनट बाद जो है इसको हम जो है एक प्लेट में निकाल लेंगे, हमारा जो पनीर है तैयार हो जाएगा। देखिए हमारा पनीर जो है वो अच्छी तरीके से फ्राई हो गया, हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। और यहाँ पर जो है मैंने एक कढ़ाई के अंदर तकरीबन 1 कप के करीब ऑयल लिया है जीरा और तेजपान का पत्ता जो है वो अच्छे से जो है सॉटे हो जाएगा, तो हम इसके अंदर अपनी प्याज ऐड करेंगे। प्याज जो है मैंने तकरीबन 3 लार्ज साइज की जो है मैंने प्याज ली है, उसको मैंने ग्राइंड करके इस तरीके से पेस्ट बना लिया है उसका। और अब जो है मैंने अपनी प्याज को इसमें धीरे से मैं ऐड कर रही हूँ।
मसाले को हमें अच्छे से जो है सॉटे कर लेना है। इस पॉइंट पर जो है इसके अंदर 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है वो हम ऐड करेंगे और इसको भी जो है हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और ड्राई मसालों में जो है मैंने 1.5 चम्मच जो है लाल मिर्च का पाउडर लिया है, 1 चम्मच नमक लिया है और 1/2 टीस्पून से थोड़ी सी कम हल्दी ली और 1/2 टीस्पून के करीब जो है मैंने पिसा हुआ गरम मसाला लिया और 2 चम्मच के करीब जो है खड़ा धनिया पिसा हुआ धनिया लिया यानी धनिया पाउडर। अब जो है पूरे ड्राई मसाले में इसके अंदर ऐड कर दूंगी और इसको जो है हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब जो है हमें इस मसाले की अच्छे से भुनाई करनी है जब तक हमारा मसाला जो है अच्छे से भुन नहीं जाता और ऑयल जो है हमारा वो अच्छे से सरफेस पे आ नहीं जाता है। और ये देखिए मेरा जो मसाला है ये 80% तक जो है अच्छे से भुन चुका है। अब इस पॉइंट पर जो है मैं इसके अंदर अपने टमाटर जो है वो उसका पेस्ट ऐड कर रही हूँ। मैंने जो है यहाँ पर 1 टमाटर का पेस्ट ऐड किया है जो है हमें इसे अच्छी तरीके से भूनना है। हमारा मसाला जो है वह अच्छे से जो है भून चुका है तो अब इस पॉइंट पर हम इसके अंदर जो हमें कढ़ाई का मसाला और कसूरी मेथी जो है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब जो है इस पॉइंट के अंदर जो है मैंने यहाँ पर 10 काजू जो लिए थे उसका पेस्ट बनाया उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं बट अगर आप इसको ऐड करेंगे तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, बिल्कुल जैसा रेस्टोरेंट में हमें पनीर मिलता है बिल्कुल उसी की तरह टेस्ट आएगा अगर आप जो है इसके अंदर काजू का पेस्ट ऐड करेंगे तो। और अगर आपके पास काजू नहीं है या फिर बहुत सारे लोग जो है इसको अवॉइड करते हैं तो आप लोग जो है इसके अंदर खसखस को जो है 1 चम्मच खसखस को जो है आप सोक कर उसको इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, उसका भी जो है टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो जो अपने सालन के अंदर काजू ऐड नहीं करते हैं वो खसखस ऐड कर सकते हैं, वो बहुत ही मज़े की लगती है। बस काजू डालने के बाद जो है हमें इसे हाई फ्लेम के ऊपर तकरीबन 1-2 मिनट तक और इस तरीके से भुनाई करनी है ताकि हमारा मसाला जो है ये अच्छी तरीके से दानेदार हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आया है और हमारा मसाला ये बहुत ही अच्छी तरीके से जो है भुन चुका है। अब इस पॉइंट पर जो है हम इसके अंदर 1 चम्मच के करीब जो है मलाई ऐड कर रहे हैं। आप जो है अमूल क्रीम या फिर कुछ भी अमूल क्रीम या फिर फ्रेश क्रीम जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप यूज़ कर सकती हैं, लेकिन मैंने जो है अभी फ्रेश क्रीम यूज़ की है, जो दूध के ऊपर जमी हुई मलाई जो है वो मैंने यूज़ की है। और इसके अंदर अब इस पॉइंट के अंदर मैं अपनी जो है कैप्सिकम और अपना जो पनीर था फ्राई किया हुआ वो सब इसके अंदर ऐड कर दूंगी, इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है इस तरीके से। और इसके अंदर जो है मैं स्लाइड की हुई जो है हरी मिर्चें भी ऐड कर रही हूँ, ये फुली ऑप्शनल है
इसको जो है हम इस तरीके से मिक्स कर देंगे। और जो है हमें इसे बस पनीर डालने के बाद हम इसे ज़्यादा कुक नहीं करते हैं। इसके अंदर जो है हमें तकरीबन हाफ कप के करीब जो इसमें वाटर ऐड कर देना है और इसको कवर करके 2 से 3 मिनट तक ही बस हमें इसे पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है, ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, कवर कर देना है हमें इसे। देखें जी, अब मैंने जो है गैस की फ्लेम ऑफ कर दी है और देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत जो है हमारा पनीर बन के तैयार हुआ है। और अब इसके अंदर जो है मैं थोड़ा सा जो है हरा धनिया भी इसके अंदर ऐड कर रही हूँ गार्निशिंग के लिए इस तरीके से। बस आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है, जैसे जब हम पनीर अपने मसाले के अंदर ऐड करें तो हमें इसे बिल्कुल भी ज़्यादा देर कुक नहीं करना है, अदरवाइज़ हमारा पनीर ओवर कुक हो जाएगा और वो अच्छा नहीं लगेगा। इन बातों का आपको ख़ास करके ख्याल रखना है। और काजू नहीं डालें तो खसखस ऐड कर लें। और देखिए अब मैं इसको जो हूँ सर्व कर लूँगी तरीके से। माशाल्लाह कितना खूबसूरत बन के तैयार हुआ है हमारा कढ़ाई पनीर, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे स्टाइल में तैयार हुआ है और बहुत ही मज़े का लगता है ये टेस्ट में। आप इसे नान, कुलचे, रोटी किसी के साथ में भी ट्राई करें, बहुत मज़े का लगेगा। इवन आप लच्छे पराठे के साथ में भी इसको खाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई तो कुकिंग विद अर्श को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।